अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम बायोलॉजी के एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, मुस्लिम साइंटिस्ट इन्होंने जितनी भी साइंस की प्रोग्रेस हुई है उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है। इवन के साइंस की बुनियाद जितनी भी थी उन सबको मुस्लिम साइंटिस्ट ने ही रखा, जिसमें बहुत ज्यादा मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। और सबसे ऊपर और सबसे पहले हम लोग इसमें जाबर बिन हियान एक नाम पढ़ते हैं, इसके अलावा इब्नुल हिशम हम लोग डिफरेंट जो है वो नाम इसमें हम लोग पढ़ते हैं। इब्नुल हिशम फिर इसके लिहाज से एक बहुत ही बड़ा नाम है, इब्ने सीना हमने एक नाम पढ़ा हुआ है। इस तरह डिफरेंट मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक डिफरेंट फील्ड्स के अंदर अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हैं। आज हम देखेंगे कि बायोलॉजी के अंदर मुस्लिम साइंटिस्ट ने कौन सा जो है वो अपनी खिदमत देनी है और उनकी क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं इन दी फील्ड ऑफ मेडिसिन, इन दी फील्ड ऑफ बायोलॉजी। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और हमारा टॉपिक जो है वो है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। इसका जो टॉपिक है कि आपको ज्यादातर शॉर्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस के अंदर ज्यादातर पूछा जाता है, या ये टॉपिक्स आपको ज्यादातर एमसीक्यूज कैटेगरी में आते हैं। यानी ये जो टॉपिक है ये आप शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तैयार कर सकते हैं। इसमें हर हेडिंग आपको एक शॉर्ट कैटेगरी के क्वेश्चन के लिए आ सकती है, जैसे कि राइट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जाबर बिन हियान, तो आपको इसकी कंप्लीट हेडिंग लिखनी होगी, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर बोल्ड में भी देख सकते हैं। आपको ये एज इट इज मेंशन करनी होगी या फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा। इसके अंदर जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आप उन्हें मार्कर से हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये एक वे है इसको अटेम्प्ट करने के लिए, जबकि इसके इंपॉर्टेंट जो कॉन्ट्रीब्यूशन आएंगे आपको एमसीक्यूज कैटेगरी में भी आ सकते हैं। तो आप चलते हैं अपने जाबर बिन हियान की तरफ कि जाबर बिन हियान जो है इन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दी थी। जाबर बिन हियान इन्होंने बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो डिस्कवरीज की हुई हैं, जबकि इन्हीं को हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। यानी कि जाबर बिन हियान जो है ही इज कॉल्ड फादर ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री की बुनियाद इन्होंने ही रखी थी। ये जाबर बिन हियान ईरान में पैदा हुए थे, लेकिन मेडिकल फील्ड के अंदर इन्होंने अपनी मेडिसिन के ऊपर जो प्रैक्टिस थी वो इराक के अंदर की थी। अब इन्होंने जो कॉन्ट्रीब्यूशन दी हुई है वो क्या है, जैसे मैंने अभी बताया कि इन्होंने केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा डिस्कवरीज की थी, कई ज्यादा मैटर्स को इंट्रोड्यूस करवाया था, तो इनका जो बेसिकली वर्क है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड रहा है। तो ही इंट्रोड्यूस द एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री एंड आल्सो रॉट द नंबर ऑफ बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इन्होंने केमिस्ट्री के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की, बहुत ज्यादा मैटर्स को डिस्कवर किया, लेकिन बायोलॉजी की फील्ड के अंदर इन्होंने दो बुक्स लिखी थी प्लांट और एनिमल्स के ऊपर। हम प्लांट्स के ऊपर जो बुक लिखी थी उन्हें अल नबातात कहा जाता है, जबकि एनिमल्स के ऊपर जो बुक इन्होंने मेंशन की थी हम उसे अल हिवान कहते हैं। ये अरेबिक नाम है, नबातात पौधों को कहा जाता है, प्लांट्स को कहा जाता है, और हिवान चूंकि जानवर को कहा जाता है, तो एनिमल्स के ऊपर जिन्होंने बुक्स लिखी थी वो अल हैवान है और प्लांट्स के ऊपर जिन्होंने बुक लिखी थी उसका नाम अल नबातात है। तो ये इसकी दो मेजर बुक्स हैं जो इन्होंने लिखी थी। इसके अलावा इन्होंने और भी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन की हुई है, मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स और एनिमल्स, इन्होंने दो बड़े ग्रुप्स बनाए थे। इस तरह डिस्कवरीज जो है वो मेजर इन्होंने की हुई है। आइए हमारे पास अब जो नेक्स्ट है वो है अब्दुल मलिक इस्माइल। इसका भी एज इट इज आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड राइट का कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अब्दुल मलिक इस्माइल, तो आपको इसकी भी एज इट इज हेडिंग लिखनी होगी और इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन आपको एमसीक्यूज में आ सकती हैं। अब अब्दुल मलिक इस्माइल इनकी जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन हैं, इन्होंने बुक्स जो है वो लिखी थी डिफरेंट एनिमल्स के ऊपर, और इनकी कई ज्यादा फेमस बुक्स हैं जिनको हम यहाँ पे अभी डिस्कस भी करेंगे। तो ही इज कंसिडर्ड द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हु स्टडीड एनिमल्स इन डिटेल। ये वो पहले मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एनिमल्स को बहुत ही डिटेल में स्टडी किया था, और इन्होंने डिफरेंट बुक्स लिखी थी। इनमें से जो मेजर बुक्स हैं वो है अल अबेल, जो इन्होंने कैमल्स के ऊपर लिखी थी, और अल खेल, जो इन्होंने हॉर्स के ऊपर बुक लिखी थी, उसकी लाइफ के ऊपर बुक्स लिखी हुई है। अल वहूश ने एनिमल्स के ऊपर लिखी थी, और खलक अल इंसान, जो इंसानों के ऊपर ह्यूमंस के ऊपर इन्होंने बुक लिखी हुई है।
तो ये इनकी मेजर बुक्स हैं और यही नेम्स आपको एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं कि अल अबील बुक वॉज रिटन ऑन कैमल हॉर्स एनिमल्स और खलकल इंसान या ह्यूमंस के ऊपर। तो इस तरह आपको डिफरेंट एमसीक्यूज बना के दिए जा सकते हैं। ये अब्दुल मलिक इस्माइल हैं जिन्होंने एनिमल्स को बहुत ही डिटेल में स्टडी किया और उनकी लाइफ के ऊपर उनकी तमाम जो लाइफ एक्टिविटीज हैं उनको उन्होंने बुक्स के अंदर मेंशन किया था। हमारे पास जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं वो हैं वाली सिना। वाली सिना, इसे इब्न सिना भी कहा जाता है और इनका बहुत ही मेजर रोल रहा है और वेस्ट के अंदर इनकी प्रॉपर बुक्स हैं जो आज भी पढ़ाई जाती है यूनिवर्सिटीज के अंदर। इसका भी आपको एज इट इज एक शॉर्ट और एमसीक्यूज कैटेगरी के लिए आपको रेडी करना होगा ये क्वेश्चन। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वाली सिना जो है ये मेनली मैंने बताया कि वेस्ट के अंदर इनकी मेडिसिन के तौर पर इन्हें बहुत जाना जाता है क्योंकि इन्होंने मेडिसिन की फील्ड में बहुत ज्यादा वर्किंग की थी। इसलिए ही इज ऑनर्ड एज द फाउंडर ऑफ मेडिसिन एंड कॉल्ड एविसिना इन द वेस्ट। इनको वेस्ट में एविसिना के नाम से बुलाया जाता है, एविसिना के नाम से इनको जाना जाता है क्योंकि इन्होंने मेडिसिन की फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन दी हुई है। इसके अलावा ये एक एस्ट्रोनॉमर भी रह चुके हैं। एस्ट्रोनॉमर का मतलब होता है जिन्हें जो है वो प्लैनेट्स के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, स्टार्स के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, तो हम उसे एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। तो ये एक एस्ट्रोनॉमर भी रह चुके हैं, ये एक फिलोसफर भी रह चुके हुए हैं, एक फिजिशियन एक डॉक्टर भी रह चुके हुए हैं और उसके अलावा ये एक पॉइट भी रहे हैं। और इनकी जो मेजर बुक है जिसे आज भी डिफरेंट वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है वो है अल कानून फी अल तिब। ये अरेबिक लैंग्वेज में इसका नाम है कि अल कानून फी अल तिब, तिब कहते हैं मेडिसिन को। इन्होंने मेडिसिन के ऊपर अपनी मेजर बुक्स लिखी हुई थी जिसकी कुछ थोड़ी सी टाइटल पेज और उसका थोड़ा सा अंदर वाला हिस्सा जो है वो शायद आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा हो, और ये इनकी बुक का टाइटल है और उनकी बुक के अंदर जो है इन्होंने अरेबिक में मेंशन किया था। तो ये वो फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मेडिसिन के ऊपर अपनी बुक मेंशन की थी। तो हमारे पास ये डिफरेंट मुस्लिम साइंटिस्ट है जिन्होंने डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो दी थी मेडिकल फील्ड के अंदर, बायोलॉजी फील्ड के अंदर। इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा साइंटिस्ट हैं, चूंकि आपकी बुक में सिर्फ ये तीन ही मेंशन है इसलिए हम लोग इन सिर्फ इन तीन को ही यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है और ये टॉपिक जो है वो बॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये है क्या? लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये एक टॉपिक है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि किस तरह से एक छोटा सा एटम जो है वो फाइनली मिलकर इस पूरी यूनिवर्स को बना रहा है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसके हवाले से आप अपने डायग्राम में भी देख सकते हैं जैसे स्टेप बाय स्टेप एक एटम से कैसे वो मिले मॉलिक्यूल कैसे वो एक सेल की शेप में आ रहा है, टिश्यू की शेप में आ रहा है, टिश्यू ऑर्गन की शेप अटेन कर रहा है, ऑर्गन फाइनली एक ऑर्गन सिस्टम की शेप में आ रहा है जबकि ऑर्गन सिस्टम जो है वो एक ह्यूमन और फिर पॉपुलेशन कम्युनिटी इकोसिस्टम और फाइनली बायोस्फीयर यानी वो जमीन का हिस्सा जहां पर लाइफ पॉसिबल है हम उसे एक बायोस्फीयर कहते हैं। अब ये सारा कुछ कैसे बनेगा ये सब हम इस लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ेंगे। इस लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम इंशाल्लाह ताला दो से तीन लेक्चर्स के अंदर इसको कवर अप करेंगे इस टॉपिक को क्योंकि ये टॉपिक जरा लेंथी है और इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा है। तो आइए चलते हैं अपने आगे टॉपिक की तरफ और इसमें जो हमारा सबसे पहला लेवल बनेगा वो सबसे छोटा लेवल है वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। अब हमारा जो इसमें बुक के अंदर ये आपको कहां पर मिलेगा, सेम पेज जहां पर मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उसके नीचे आपको सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल की हेडिंग मिलेगी और उसके ऊपर मेन हेडिंग आपको मिलेगी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। इसके अंदर आपको मेनली इसकी एक डेफिनेशन पूछी जाती है जो बोल्ड भी यहां पर हुई भी होगी और आपको ये डेफिनेशन जो है वो बायो एलिमेंट्स के नाम से आएगी, डिफाइन बायो एलिमेंट्स जिसकी डिटेल अभी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको यहां से ये डेफिनेशन जो है वो मेंशन करनी होगी। अब बात करते हैं कि सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल है क्या। सब एटॉमिक, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भी मैटर होता है हमारे इर्द गिर्द तमाम चीजें मैटर से बनी होती हैं, इवन कि हम लोग खुद एक मैटर हैं। मैटर की डिटेल में अपने लेक्चर्स में पहले भी बता चुका हूं कि मैटर जो है वो कोई भी ऐसी चीज को कहा जाता है जो किसी स्पेस को ऑक्यूपाई करती है
या वॉल्यूम रखती हो या फिर मैस रखती हो, हम उसे मैटर कहते हैं। और मैटर की जो प्योर फॉर्म है इट इज कॉल्ड अ सब्सटेंस, ये एक सब्सटेंस भी कहलाती है। अब एक सब्सटेंस के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं वो तमाम एक ही जैसे होते हैं। एटम का जो वर्ड है ये दो वर्ड से लिया गया है, इसमें एक ए वर्ड आ रहा है और एक टॉम वर्ड आ रहा है। ए का मतलब होता है नॉट, टॉम का मतलब होता है कट करना, मींस कि वी कैन नॉट कट एटम। हम लोग ये मानते थे कि एटम एक सबसे छोटा पार्टिकल है और इसे फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि बाद में नई टेक्नोलॉजीज और एक्सपेरिमेंट्स की रोशनी में हमें पता चला कि ऐसा नहीं है, एटम्स के अंदर भी कुछ डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। अब अपनी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जैसे एक आपको इसमें कोल दिखाया हुआ है, कार्बन दिखाया हुआ है, और दूसरी तरफ उस कार्बन के एटम्स तमाम एक जैसे हैं, क्योंकि मैटर इज अ सब्सटेंस अगर आप प्योर फॉर्म में लेते हैं और उसके तमाम एटम्स एक ही जैसे होंगे। तो एटम्स अब फर्दर किससे बने होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल से। तो सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स होते हैं ये हमें पता चला जब हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए कि नहीं भाई एटम के अंदर तो और भी बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, जैसे कि प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ये तमाम एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। अब एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये एटम का सेंट्रल पार्ट बनाते हैं जिसे हम एटम का न्यूक्लियस कह रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है इट इज रिवॉल्विंग आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहा होता है। जैसे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एनिमेटेड वीडियोस में भी देख सकते होंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर रिवॉल्व कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्विंग के साथ साथ जो उसका प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है इट इज जस्ट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ये एटम का न्यूक्लियस बना रहे होते हैं। अब ये तीनों चीजें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाती हैं। जब ये इकट्ठे होते हैं तो एक एटम को प्रोड्यूस करेंगे। अब एटम जो है कैसे बन रहा है ये हमें क्लियर हो गया कि एटम जो है इट इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स दे आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम व्हाइल इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट शेल्स। अब हमारे पास इस वक्त टोटल 92 एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स हमारी बॉडी में नहीं होते। इनमें से सिर्फ चंद ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी को बना रहे हैं, और हम उन एलिमेंट्स को बायो एलिमेंट्स कंसीडर करेंगे, बिकॉज दे आर टेकिंग पार्ट इन द मेकिंग, दे आर टेकिंग पार्ट टू बिल्ड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। तो इनमें से सिर्फ 16 एलिमेंट्स हैं जो बायो एलिमेंट्स कहलाएंगे। क्यों बायो एलिमेंट्स कहलाएंगे, बिकॉज दे आर टेकिंग पार्ट इन मेकिंग द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। और वो जो 16 एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं और इनके डिफरेंट परसेंटेज है, ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी को बनाने में इनका डिफरेंट रोल होता है। अब उन 16 बायो एलिमेंट्स में से 6 एलिमेंट्स तो ऐसे हैं जो आपकी बॉडी का मेजर पार्ट बना रहे हैं बाय टोटल मास, और उनमें कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ये आपकी बॉडी के मास के लिहाज से मेजर पार्ट को बिल्ड करेंगे। अब कैसे बिल्ड करेंगे, मीन्स के दे आर मेकिंग 99% पार्ट ऑफ योर टोटल बॉडी, या आपकी बॉडी का 99% जो है वो मैस बनाएंगे। अब वो कैसे बनाएंगे, आइए चलते हैं एक इसको चार्ट की मदद से समझते हैं। अब आप देख सकते हैं कि चार्ट के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि ऑक्सीजन जो है इसकी सबसे हाई परसेंटेज है 65%, इसके बाद कार्बन है 18%, उसके बाद हाइड्रोजन है 10%, फिर नाइट्रोजन, उसके बाद कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो ये मेजर वो एलिमेंट्स हैं जो आपकी बॉडी को बिल्ड करेंगे। आपकी बॉडी का ज्यादातर जो पार्ट है वो प्रोटीन से बना हुआ है, इसमें ज्यादातर लिपिड्स ये मौजूद हैं। अब प्रोटीन इट इज अ कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, लिपिड्स इट इज आल्सो मेड अप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड अदर एलिमेंट्स। तो ये आपकी बॉडी का मेजर पार्ट बनाते हैं। इसके अलावा आपकी बॉडी के मैस में ज्यादातर जो मैस है वो बोन्स कवर करती है। बोन्स जो है इसमें बेसिकली जो मिनरल्स हमें मिलते हैं वो नाइट्रो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस होते हैं। तो दैट्स व्हाई ये आपकी बॉडी के मैस के लिहाज से 99% जो पार्ट है वो कवर करते हैं। बाकी 1% पार्ट जो है वो आपकी बॉडी में जस्ट 10 एलिमेंट्स हैं, जिसमें पोटेशियम है, सल्फर है, क्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन। ये आपकी बॉडी के अंदर कोई बेसिकली बिल्ड नहीं कर रही किसी चीज को, लेकिन इनका जो काम है वो आपकी बॉडी को हेल्दी रखना होता है, इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस भी ज्यादा जरूरी है।
जैसे कि आयोडीन, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आयोडीन जो है वो आपके थायराइड ग्लैंड को उसकी वर्किंग में हेल्प कर रहा होता है। सिमिलरली आयरन जो है इट विल मेक अ हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन बनाता है जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिमूव करने में हेल्प करता है। इसी तरह सोडियम क्लोरीन दे आर मेकिंग डिफरेंट प्रोटीन्स इन आवर बॉडी, आपकी बॉडी में डिफरेंट प्रोटीन्स डिफरेंट एक्टिविटीज में हेल्प कर रहे होते हैं, तो ये आपकी बॉडी को हेल्दी रखेंगे। दैट्स वाई कि आपकी बॉडी में मैस के लिहाज से बहुत ही कम होते हैं, आपकी बॉडी का ज्यादातर मैस बिल्ड नहीं करते, लेकिन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए ये 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम बायो एलिमेंट्स कंसिडर करेंगे। तो इनकी तमाम परसेंटेज आपको नीचे ग्राफ में भी नजर आ रही होगी, जो आपको आपकी बुक के अंदर भी मिल जाएगी, और आपको ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रेडी करना होगा, क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मींस ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन डैश परसेंट बाय मास, तो वो कितने परसेंट है? 65% है। इस तरह आपको चार ऑप्शन दे देगा, 65%, 18%, 10%, 3%, 1%, 2%, ये आपको ऑप्शन दे दी जाती है। हाइड्रोजन का पूछा जा सकता है, आपको एक एमसीक्यू इस तरह भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स 18% पार्ट बाय मास, बाय टोटल मास, तो वो कैसे होगा? तो 18% जब आ गया तो डेफिनेटली अब इसके अंदर कार्बन राइट ऑप्शन आएगी, जबकि आपको चार ऑप्शन दे देगा, ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो उसमें से राइट ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना होगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। अब हमारा जो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो है बायो मॉलिक्यूल्स, यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल हमारा अगला टॉपिक है। इसकी डेफिनेशन इसके हेडिंग के नीचे पहले पैराग्राफ के अंदर मिल जाएगी, और इसके साथ आप इसकी टाइप्स के नेम मेंशन कर सकते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, या उन्हीं टाइप्स के अंदर जो डिफरेंट एग्जांपल्स मेंशन है वो आप इसके साथ मेंशन करेंगे, तब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो चलते हैं इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो मॉलिक्यूलर लेवल है क्या? मॉलिक्यूलर लेवल, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एटम जो है वो अब स्टेबल नहीं होते, दे आर नॉट स्टेबल, एंड दे वॉन्ट टू अटेन अ स्टेबल फॉर्म, वो कोशिश करते हैं कि वो अपनी एक स्टेबल फॉर्म में आ जाए। अब उस पर्पस के लिए डेफिनेटली के एलिमेंट्स जो हैं, एटम्स जो हैं, वो एक दूसरे के साथ फर्दर कंबाइन होते हैं और एक स्टेबल फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो नेचर में स्टेबल रह सके। जैसे कि हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, इट एग्जिस्ट इन अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म, मींस H2। सिमिलरली ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, इट एग्जिस्ट इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्म लाइक O2। नाइट्रोजन भी इसी तरह एक मॉलिक्यूल की फॉर्म एग्जिस्ट करती है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो बायो एलिमेंट्स हैं, ये भी आपस में कंबाइन होकर एक स्टेबल फॉर्म में आने की कोशिश करते हैं। अब हम उस स्टेबल फॉर्म को बायो मॉलिक्यूल्स कंसीडर करेंगे, और एटम्स आपस में कैसे कंबाइन होते हैं ये केमिस्ट्री के अंदर भी आप लोगों ने शायद पढ़ लिया हो, या आगे हम लोग अपने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि एटम जो है दे विल कंबाइन विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट और आयोनिक बॉन्डिंग। कोवेलेंट आयोनिक बॉन्डिंग के जरिए से एटम जो है वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, और इनके मिलने के बाद एक स्टेबल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाता है, और वही स्टेबल मॉलिक्यूल हमारी बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करेगा। तो एटम्स विल कंबाइन विद ईच अदर टू मेक अ स्टेबल यूनिट, इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। और हमारी बॉडी के जो मॉलिक्यूल एटम्स होंगे वो जब कंबाइन होते हैं तो वो बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? In organisms, bioelements usually do not occur in isolated form, rather they combine through ionic and covalent bonding. The stable particle formed by such bonding is called as a molecule or biomolecules. तो ये आपके पास इसकी proper definition थी। अब इस definition में तो हमने एक बात ये तो समझ ली कि atoms जो हैं वो combine होकर एक stable form में आ रहे हैं, और वो stable form जो बना रहे हैं हम उसे molecule कह रहे हैं, और वो मॉलिक्यूल्स के वो हमारे पास कई तरह की वैरायटीज हैं, वो कई तरह के स्ट्रक्चर्स को बिल्ड करते हैं, और इस लिहाज से हमने इन मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई किया हुआ है। और उन मॉलिक्यूल्स की जो क्लासिफिकेशन होगी वो क्या होगी? अब उन मॉलिक्यूल्स में हमने डिफरेंट जो है ना वो कैटेगरीज बना दी हुई है, और वो डिफरेंट कैटेगरीज हमने बनाई है अकॉर्डिंग टू मैस के लिहाज से, उनके वेट के लिहाज से। ठीक है, कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके वेट के लिहाज से हमारे पास दो कैटेगरीज बनेंगी, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो बोलते हैं बड़े को, लार्ज, मैक्रो मॉलिक्यूल क्या होंगे, और माइक्रो कहते हैं स्मॉल को। तो आइए चलते हैं इनकी डिटेल की तरफ, और डिटेल की तरफ जाने से पहले जिन जो लोग इस चैनल पर नए हैं, ठीक है, मैं उन्हें बताता चलूं
कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके साथ बेल आइकन को लाजमी तौर पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके साथ साथ हमने अपने चैनल में एक प्लेलिस्ट बना दी हुई है जिसमें आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, बायो, कंप्यूटर, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट आप चाहें इसमें देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होगी। डेफिनेशन माइक्रोमोलिक्यूल की आपको स्क्रीन के ऊपर बोर्ड भी नजर आ रही होगी। इस डेफिनेशन को आपने शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तैयार करना होगा। ये आपको क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स या हाउ वी कैन क्लासिफाई बायोमोलिक्यूल्स। तो इसके अंदर आपने माइक्रो और मैक्रो दोनों को एक्सप्लेन करना होगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। माइक्रोमोलिक्यूल्स हम कहते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो बेसिकली कम वेट रखते हों, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा हम उन्हें माइक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, स्मॉल मींस इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, इसलिए हम इन्हें माइक्रोमोलिक्यूल्स कंसीडर करेंगे। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स के हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ग्लूकोज है। ग्लूकोज एक इसकी कॉमन एग्जांपल है। इसका एक मॉलिक्यूलर वेट एक तो वैसे तो ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल बायोमोलिक्यूल्स के अंदर इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये फर्दर कंबाइन होकर बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को बनाता है, इसलिए ग्लूकोज को हम एक माइक्रोमोलिक्यूल कंसिडर करेंगे। और वाटर, वाटर जो है वो एक कॉमन एग्जांपल है जो हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वाटर जो है ये आपकी बॉडी में 60-70% मौजूद होता है और ये एक माइक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में आएगा। अब मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या है। मैक्रोमोलिक्यूल्स की डेफिनेशन आपको उसी माइक्रोमोलिक्यूल की लाइन के नीचे मिल जाएगी। आप स्क्रीन पर भी इसको देख पा रहे होंगे कि बोल्ड भी कि हाँ आपको इसकी डेफिनेशन मिलेगी, साथ इसके एग्जांपल्स भी गिवन है। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, यानी अब मैक्रोमोलिक्यूल्स मिलकर मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाएंगे। कि जब डिफरेंट छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, हम इसे मैक्रोमोलिक्यूल कंसिडर करेंगे। मैक्रोमोलिक्यूल्स की हमारे पास ढेरों एग्जांपल्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास स्टार्च आ जाता है। अब स्टार्च क्या है। ग्लूकोज एक माइक्रोमोलिक्यूल था, जब थाउजेंड्स ग्लूकोज कंबाइन होते हैं दे विल मेक अ मॉलिक्यूल व्हिच इज कॉल्ड स्टार्च। ये स्टार्च को बिल्ड करते हैं। अब स्टार्च जो है इट कंटेन थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज, इट्स मीन कि ग्लूकोज एक माइक्रोमोलिक्यूल है जबकि स्टार्च एक बड़ा मॉलिक्यूल है। सिमिलरली आप सेकेंड एग्जाम्पल प्रोटीन देख सकते हैं। प्रोटीन जो है इट इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से बने हुए हैं। तो हम इन्हें माइक्रोमोलिक्यूल कंसीडर कर सकते हैं। क्या अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड माइक्रोमोलिक्यूल, जबकि प्रोटीन किस कैटेगरी में आएगी। प्रोटीन जो है हम उसे मैक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में कंसीडर करेंगे। इसी तरह लिपिड्स आप ले लें, लिपिड्स जो है ये भी जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल में आता है, जो कि फर्दर स्टार्च और उनसे फैटी एसिड्स इनके कंबाइन होने से बनेगा। अब हमारे पास इसके एक और कॉमन एग्जाम्पल है डीएनए। डीएनए ये भी एक मैक्रोमोलिक्यूल में आता है जिसमें कई तरह की छोटी छोटी प्रोटीन्स कंबाइन होती हैं और फाइनली वो मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रही होती हैं। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर डायग्राम में भी देख सकते हैं कि आपको सिंपल साइड पे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ये डिफरेंट कंपाउंड नजर आ रहे होंगे। अब ये तमाम एटोमिक एंड सब एटोमिक लेवल हो गया। एटोमिक एंड सब एटोमिक लेवल के कंबाइन होने के बाद एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। मॉलिक्यूल जो आप साइड पे देख रहे होंगे न्यूक्लियोटाइड है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स है, डीऑक्सीराइबो शुगर एक मॉलिक्यूल है, और जब वो फर्दर कंबाइन हो रहे हैं तो दे विल मेक अ लार्ज मॉलिक्यूल व्हिच इज कॉल्ड डीएनए। तो डीएनए इज एन आल्सो एग्जांपल ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल। ये भी मैक्रोमॉलिक्यूल की एक बड़ी एग्जांपल है। अब हम लोग आगे अपने टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मुझे इजाजत दें, अल्लाह।